प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे साइकस की। साइकस का जो मेल कौन है उसके बारे में मैंने अब तक आपको बताया है, और उस मेल कौन में जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसके बारे में, माइक्रोस्पोरिंजियम के बारे में, लघु बीजाणु के बारे में और लघु बीजाणु के परिवर्तन के बारे में, इसके अलावा लघु बीजाणु के स्फुटन के बारे में मैंने अब तक आपको बता दिया है। आज हम बात करेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन की, यानी महाजननांग की। साइकस में फीमेल प्लांट के शीर्ष भाग पर मेगास्पोरोफिल समूह में उत्पन्न होते हैं, यानी जो मादा पादप है उसका जो शीर्ष भाग है उस पे बनते हैं मेगास्पोरोफिल, और ये समूह में बनते हैं। यानी जो मेगास्पोरोफिल है सामान्य रूप से शल्क पर्णों के मध्य अग्राभिसारी क्रम में उत्पन्न होते हैं। महाजननांग शंकु के रूप में नहीं बनता है, तथा जो मेगास्पोरोफिल है उसके निर्माण से जो तने की शीर्ष वृद्धि है वो निरंतर होती रहती है, यानी वृद्धि रुकती नहीं है, निरंतर होती रही है। अतः इस वृद्धि को मोनोपोडियल ग्रोथ कहते हैं, यानी एकल आक्षी वृद्धि कहते हैं। अगर हम मेगास्पोरोफिल की बात करें तो ये आपके सामने डायग्राम दिया गया है मेगास्पोरोफिल का। साइकस की विभिन्न जातियों में गुरु बीजाणु पर्ण का विवरण कई प्रकार से है, जैसे साइकस सर्सिनेलिस में 15 से 20 सेंटीमीटर तक बीजाणु पर्ण की लंबाई पाई जाती है। इसमें जो बीजाणु की संख्या है वो 2 से 4 होती है, और इसका जो परिपक्व जो बीजांड यानी जो मैच्योर जो ओव्यूल है उसका कलर होता है हरा, तथा उसके ऊपरी भाग में अंडाकार या भालाकार एवं उपांत दंतुर प्रकार के उसके ऊपर के जो भाग है वो पाया जाता है, वो होता है साइकस सर्सिनेलिस में। साइकस लंबाई की बात करें हम तो जो लंबाई है मेगास्पोरोफिल की वो होती है 20 से 25 सेंटीमीटर तक, बीजाणु संख्या 2 से 4 होती है, रंग उसका हरा होता है, ऊपरी भाग अंडाकार या बालाकार, तथा जो उसकी शीर्ष सरफेस है वो सघन रोमयुक्त पाई जाती है। इसके अलावा साइकस रेवोलुटा में 10 से 25 सेंटीमीटर तक जो लंबाई होती है वो पाई जाती है, 2 से 12 बीजाणु पाए जाते हैं, और कलर होता है नारंगी। इसके अलावा इसका ऊपरी भाग पीछे की शीर्ष नुकीला, पूरी सतह पर भूरे रोम यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा साइकस बेंडुमाई 15 से 21 उसके अंदर स्पोरोफिल पाए जाते हैं, मेगास्पोरोफिल, और जो बीजाणु की संख्या है वो 24 होती है, 2 से 4 के बीच में होती है, और उसका जो रंग होता है वो हरा होता है, और इसके जो उपांत हैं वो दंतुराकृति के पाए जाते हैं। गुरु बीजाणु पर्ण एक पंख के समान संरचना है जिसके आधारीय भाग में एक स्टराइल यानी बंदे भाग व्रंत, ये देखिए आप यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो है ये व्रंत पाया जाता है, व्रंत, मध्य भाग बेलनाकार और जो उर्वर होता है फर्टाइल होता है, जबकि ऊपरी भाग बंदे पालिका युक्त अथवा दांतेनुमा लीफी होता है। यानी देखिए ये जो ऊपरी भाग है ये होता है स्टराइल, यानी ये फर्टाइल नहीं होता है, केवल जो मध्य भाग है वो यहाँ से यहाँ तक का वही फर्टाइल होता है, ये देखिए आप फर्टाइल पार्ट, और ये जो पार्ट है इसके अंदर ही बनते हैं यहाँ पे बीजांड। अब हम बीजांड के स्ट्रक्चर की बात करें, यानी बीजांड या गुरु बीजाणुदानी, ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। साइकस का बीजांड बीजधारी जो प्लांट्स हैं, यानी वो जो जिम्नोस्पर्म है बीजधारी प्लांट्स हैं, उनसे सबसे बड़ा बीजांड साइकस में पाया जाता है, जिसको नेक्ड आई से
देखा जा सकता है। यह लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर तक लंबा तथा 4 सेंटीमीटर व्यास का होता है। बीजांड रिजु प्रकार का मिलता है। यह एक अद्यावरणी तथा बहुत छोटे व्रंत के युक्त होता है। युवा अवस्था में बीजांड हरे तथा रोमिल होते हैं तथा परिपक्व होने पर यह रोम रहित व नारंगी लाल रंग के हो जाते हैं और इनमें जो रोम पाए जाते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। प्रत्येक बीजांड के बाहर की ओर एक मोटा अद्यावरण तथा अंदर की ओर एक केंद्रीय बड़ा बीजांडकाय पाया जाता है। ये देखिए आप यहाँ पे बीजांडकाय, ये अंदर इसके अंदर है बीजांडकाय। और बीजांडकाय के शीर्ष भाग के अलावा सब जगह से यह अद्यावरण से जुड़ा रहता है। शीर्ष भाग का बीजांडकाय हिस्सा एक उबार के रूप में देखा जा सकता है जिसे बीजांडकाय चोंच कहते हैं। यानी आप यहाँ पे देखिए जो ये एरिया है ये वाला ये बीजांडकाय चोंच कहलाता है। इसी स्थान पर ऊपरी छिद्र बीजांडदार माइक्रोपाइल कहलाता है। यह है बीजांड द्वार, यानी जो ये हिस्सा है ये तो हो गया इसका बीजांड का जो पेपिला वाला हिस्सा, और इसके ऊपर जो एरिया है वो कहलाता है बीजांड द्वार। अद्यावरण की बाहरी व भीतरी परतें फ्लैशी होती हैं या मांसल होती हैं, जबकि मध्य परत कठोर या अस्थिल प्रकार की पाई जाती है। आंतरिक जो मांसल परत है, इनर जो फ्लैशी लेयर है, देखिए आप यहाँ पे इनर फ्लैशी लेयर, ये वाली इनर फ्लैशी लेयर, ये बीजांडकाय से जुड़ी रहती है। बीजांडकाय चोंच के अंदर कोशिका के विघटन के कारण के कैविटी का निर्माण होता है जिसे पोलन चैम्बर कहते हैं। पराग कोष्ठ में पराग कोष्ठ में परागकण एकत्रित होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं इनके वेस्कुलर पुल्स की जो दिखाए गए हैं यहाँ पे। गुरु बीजाणु पर्ण में अनेक संवन पुलों में से मात्र 3 संवन पुल ही बीजाणु में प्रवेश करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है। मात्र 3 संवन पुल ही बीजाणु में प्रवेश करते हैं। इनमें से केंद्रीय पुल बाहरी मांसल तथा मध्य की अस्टिल परतों को पार करता हुआ भीतरी मांसल परत में प्रवेश करता है। यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है था बीजांडकाय के जो निभागी छोर पर जाकर ये कई शाखाओं में बट जाता है। इसके अलावा शेष दोनों संवन पुल अद्यावरण की बाहरी मांसल सतह में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक पुल द्विभाजित होता है जिसकी मोटी शाखा बाहरी परत तथा पतली शाखा आंतरिक परत तक जाती है। ये संवन पुल बीजांड के बीजांड द्वारीय छोर तक फैले होते हैं, यानी जो संवन पुल हैं ये जो माइक्रोपाइल है यहाँ तक ये फूले होते हैं। अब हम बात करते हैं कि बीजांड का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। साइकस के जो बीजांड हैं गुरु बीजाणु पर्ण के आधारीय उर्वर भाग की पृष्ठीय कोशिकाओं से विकसित होते हैं, ये हम सभी जानते हैं, पहले मैंने बताया भी है। इन पृष्ठीय कोशिकाओं में लगातार विभाजन होने से पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का समूह बीजांडकाय बनाता है। इसकी आधारीय बाह्य त्वचा कोशिकाओं के विभाजन द्वारा ऊपर की ओर फैलने से बीजांडकाय के चारों तरफ अध्यावरण बन जाता है। शीर्ष भाग पर अध्यावरण स्वतंत्र होकर बीजांड द्वार नलिका बनाता है, इसे अंग्रेजी में माइक्रोपाइलर कैनाल कहते हैं। कुछ समय पश्चात बीजांडकाय के ऊपरी अथवा शीर्ष भाग पर चोंचनुमा उभार बनता है जिसे बीजांडकाय चोंच कहते हैं, मैंने पहले बताया आपको। इस चोंच के नीचे कोशिकाओं के नष्ट होने से प्लास्कनुमा पराग प्रकोष्ठ पोलन चैम्बर बनता है तथा पराग प्रकोष्ठ में जो दिखाया गया है यहाँ पे देखो पोलन चैम्बर बनता है जिस पर पराग कण एकत्रित होते हैं। बीजांडकाय की पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं में से अंदर की ओर एक कोशिका का केंद्रक बड़ा तथा
कोशिका द्रव्य सघन हो जाता है। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के मियोसिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप चार अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये गुरु बीजाणु एक रेखीय चतुष्क बनाते हैं, अर्थात चारों गुरु बीजाणु एक रेखा में स्थित रहते हैं। इनमें सबसे नीचे स्थित गुरु बीजाणु जो है वो क्रियाशील रहता है, ये जिम्नोस्पर्म में हमको बार बार देखने को मिलेगा, जबकि शेष तीनों नष्ट होकर क्रियाशील गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करते हैं। इस तरह से ये संरचना हुई गुरु बीजाणु की। अगर हम इसको वापस दोबारा देखें तो अपन देख सकते हैं ये इसका मादा जननांग गुरु बीजाणु पर्ण। मैंने आपको इसमें विभिन्न प्रकार के जो जातियां हैं साइकस की, साइकस सर्सिनेलिस मैंने बताया था, साइकस रम्फाई, साइकस रिवोल्यूटा और साइकस बेंडुमाई। मैंने बताया था कि किसी में तो दो से चार होती है संख्या, किसी में दो से बारह, फिर दो से चार, किसी का कलर हरा होता है, नारंगी होता है, इस तरह से। और गुरु बीजाणु जो पर्ण हैं वो एक पंख के समान संरचना आपको ना डायग्राम पे दिखाई दे रही है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके दो पार्ट होते हैं, मैंने बताया था आपको, ये ग्रंथ है यहाँ पे फर्टाइल पार्ट, यहाँ पे ये स्पोरेंजियम है वो बनती है, यहाँ पे बीजाणु बनते हैं, मेगा स्पोरेंजियम बनती है। और इस तरह से साइकस में बीजाणु का निर्माण हो गया। सबसे बड़ा आप जानते हैं सबसे बड़ा बीजाणु है इस बीजधारी प्लांट्स का, जिसको नेक्ड आई से देखा जा सकता है। 6 से 7 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर व्यास का होता है और ये बीजाणु ऋजु प्रकार का होता है, ऑर्थोट्रोपस प्रकार का होता है। इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। इसके अलावा जो बीजाणु का एक चोंच, बीजाणुदार पोलन चैम्बर, ये मैंने बताया है, ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एलएस है। और इसका जो डेवलपमेंट है मैंने बता ही दिया आपको, जो फर्टाइल भाग की जो पृष्ठीय कोशिकाएं होती है आधारीय भाग की, उसके उससे होता है। और लगातार विभाजन के दौरान पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है और उसके द्वारा ही ये बीजाणु का एक आवरण बनता है, और जो कुछ कोशिकाएं होती है उनके द्वारा निर्माण होता है, उनमें होता है मियोसिस होता है, और 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण यहाँ पे होता है, जिसमें से 1 होता है क्रियाशील और बाकी 3 अक्रियाशील रूप में पाए जाते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।